चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयाँ हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों की परेशानी बढ़ गई है। 2 सप्ताह में ही प्याज के दाम इतने कम हो गए हैं कि किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही है। 15 फरवरी को एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासलगांव में प्याज का थोक अधिकतम दाम 28 रुपए एवं मॉडल प्राइस 2350 रुपए क्विंटल था, जबकि 28 फरवरी को इसका अधिकतम दाम घटकर 2077 रुपए प्रति क्विंटल एवं मॉडल प्राइस 1750 रुपए ही रह गया। महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भारत दिगोले का कहना है कि प्रति किलो प्याज पैदा करने की लागत ही 18 रुपए प्रति किलो हो गई है, फिर कैसे इतने दाम में किसानों का काम चलेगा। भारत दिगोले का कहना है कि जब जरा सा दाम बढ़ता है तब सरकार उसे कम करने के लिए 100 प्रयास करने लग जाती है, लेकिन जब दाम लागत मूल्य से भी कम हो जाता है तब किसानों की मदद के लिए कोई आगे नहीं आता है। पूरे महाराष्ट्र का औसत देखें तो इस वक्त किसानों की प्याज थोक में 15 से 16 रुपए प्रति किलो में ही बिक रही है, जबकि शहरों में उपभोक्ताओं को 40 और 45 रुपए में उपलब्ध हो रही है। सरकार बिचौलियों पर नकेल कसने की जगह किसानों को परेशान कर रही है। दाम गिरने की वजह आवक भी है। लासलगांव मंडी में 2 सप्ताह पहले 14 से 15 हजार क्विंटल प्याज की आवक थी, जबकि अब यह 19 हजार क्विंटल तक पहुँच गई है। इस वजह से व्यापारियों ने दाम गिराना शुरू कर दिया है। लासलगांव कृषि उपज मंडी समिति में शनिवार की तुलना में सोमवार को 550 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट देखी जा रही है। लासलगांव में प्याज की आवक अचानक बढ़ने से यह परेशानी शुरू हुई है। लाल प्याज की आवक बढ़ी है, साथ ही अहमदनगर और पुणे जिलों में भी आवक ज्यादा हो गई है। भारत दिगोले का कहना है कि प्याज की कीमतों में बार बार उतार चढ़ाव से किसानों को बहुत घाटा हो रहा है। उत्पादन लागत में वृद्धि हो रही है लेकिन दाम जस का तस है, इसलिए उनकी सरकार से अपील है कि वो प्याज का न्यूनतम दाम फिक्स कर दे, किसी एजेंसी से जांच करवाए कि वर्तमान हालात में किसानों का खर्च कितना आ रहा है, उस पर स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों के आधार पर 50% मुनाफा देकर न्यूनतम दाम तय कर दे। उससे कम दाम पर किसी भी मंडी में व्यापारी खरीद ना कर पाए, ऐसा प्रावधान करने के बाद ही किसान सुरक्षित रहेंगे, वरना किसानों की आय डबल करने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। वीडियो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।